दुआ है मेरे एक मोमिन भाई की, मेरे मोमिन भाई की लगा मर्डर करे, सुने आप, लगा मेरे भाई को मार दिए। बस मैं आप लोगों से दुआ कर रहा हूँ कि मेरे भाई को इंसाफ दियो। मेरे भाई के छोटे छोटे बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं मेरे भाई के, बस उन लोगों के लिए इंसाफ चाहिए। बस मैं इतना दुआ कर रहा हूँ, मेरे अल्लाह से दुआ करता हूँ मैं, उसके बाद में आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ मैं। सुने, मेरा भाई अकेला था, ना इत्तेफाकी करके मार दिया उसके साथ, बहुत गलत हरकत करे लोग। अल्लाह इन लोगों को, मैं तो बोल रहा हूँ भाई आप लोगों से कि ये मेरे भाई के साथ हुआ, कोई दूसरे के साथ नहीं हुए ऐसा। केसीआर साहब से जितने भी बड़े लोग हैं, बड़े अहदेदार हैं, जितने भी केसीआर साहब जैसा, हमारे महमूद अली जैसा, असद भाई, पूरा उनसे गुजारिश है, अकबर भाई, सब भाइयों से मेरी। बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में शाहीन नगर में लेट इवनिंग में एक मर्डर हुआ करके इन्फॉर्मेशन आया था। ये इलियास नवाब करके आदमी है, इसके ऊपर बालापुर पुलिस स्टेशन में राउडी शीट है, और इसके पहले कुछ इसके ऊपर केस भी रजिस्टर हुए जो कि ऑलरेडी कोर्ट में अभी चल रहे हैं, उनका फैसला आना भी बाकी है। तो इस आदमी का जो मर्डर हुआ है उसके ऊपर हमने तहकीकात शुरू कर दी है, सारी तुम्हारी टीम्स भी यहाँ पर पहुँच गई हैं। तो जल्द ही ये जो जिन लोगों ने भी इस कत्ल को अंजाम दिया उन सब लोगों को पकड़ लिया जाएगा हमारी तरफ से, और तब आप लोगों को अपडेट इन्फॉर्मेशन भी देंगे। तो किसी से दुश्मनी था इसका? वही हम लोग अभी इंक्वायरी कर रहे हैं, इंक्वायरी में पूरा मालूम हो के आएगा। लैंड डिस्प्यूट वगैरह थे? वही वही पूरी इंक्वायरी अभी कर रहे हैं, डिटेल में पूरी तफ्तीश कर रहे हैं, जैसे हमको डिटेल फैक्ट्स मिलेंगे आप लोगों को अपडेट करेंगे। ओके, थैंक यू। मेरा भाई था, छोटा भाई था मेरा, मैं कानून से यही दरख्वास्त कर रहा हूँ, मैं जितने भी जो बड़े ऑफिसर आए उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती करके, जो भी था मेरा भाई कैसा भी था, होगा अपनी ज़िंदगी सुख शांति से जी रहा था, ने सुकून से जी रहा था। मैं तो हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, सुने, जो भी कानून की कार्रवाई से करेंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह अकबर, अल्लाह के सिवा हमारा कोई नहीं है। सुने, इनके उनके बातों में हमारे किसी का कुछ सपोर्ट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें हम, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें हम, पुलिस से हम केसीआर से सबसे एक ही गुजारिश कर रहे हैं कि हम हमारे भाई का इंसाफ होना। मेरे भाई को 8-9 बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उसका अल्लाह अजल लेगा, उसका हर वो चीज़ का तकलीफ का अल्लाह अजल लेगा उन लोगों से। सुने, मैं तो कानून से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे भाई के जो भी खातिला हैं, जो भी गांडू हरकत करे सो है ये लोग, तो ये लोग जो भी करे ना हरकत गांडू हरकत है, मैं खुला बोल रहा हूँ कि इसलिए बोल रहा हूँ कि कानून की कार्रवाई से काम होना है मेरा, कानून से यही गुजारिश करो मैं। करे भाई, अल्लाह के चाहने वाले बहुत थे, इसके दुश्मना ठीक है, लगाइज करे, नामा भी बोलो, बोले तो बोल डालता हूँ, नहीं भी बोलना है तो मसला नहीं है, मेरे को नामा याद नहीं है, फिर भी आपको जो है वो डाल लीजिए आप लोग। पहले कुछ ऐसा घर में बोल रहे थे क्या साहब, उन्हें ऐसा होने वाला? नहीं नहीं, कुछ ऐसा नहीं बोले साहब हमारे, ये पुलिस भी मौजूद थी मौके पर? नहीं नहीं, पुलिस वुलिस कुछ नहीं थी, पुलिस रहती तो मेरा भाई जान से हाथ धो के नहीं बैठा था। सुने, मेरा भाई चले गया, मैं उसका बहुत तकलीफ में हूँ इस वक्त, पुलिस वुलिस कुछ नहीं थी, पुलिस रहती तो ये काम होता भी नहीं था और होने भी नहीं देती थी पुलिस ये। सुने, आप भाई का इंसाफ चाहिए। सुने, पूरे हुकूमत के अहदेदारों से मैं हाथ गुजर, डिप्टी सीएम सबसे, महमूद अली साहब से भी, मेरे हमारे शाहीन नगर के जितने भी बड़े लोग हैं उनसे भी गुजारिश है कि मेरे भाई का इंसाफ चाहिए। मैं तो दुआ कर रहा हूँ मेरे भाई का इंसाफ होना बोल के, मैं तो अल्लाह से मदद मांग रहा हूँ, फिर भी आप लोग मेरे भाई का साथ देना है तो बिल्कुल आगे आगे जवाब दे सकते मेरे भाई को। सबको एक दिन खबर में जाना है इंशाल्लाह, आप उनको भी जाना है, मगर के सब हक पे जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला मौत देगा तो बिल्कुल, ये ना हक मौत दिए मेरे भाई को लगा, मैं तो यही गुजारिश कर रहा हूँ। शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत। उर्फियत फैयाज नाब, मैं इलियाज नाब का बड़ा भाई हूँ। ये करीब 2 साल से चल रही थी तनम तनी ये लोगों की, ये SOT में भी बुला के ये लोगों को वार्निंग देने लगाए, और हमारे बालापुर PS में जो सो भास्कर साहब के सामने ठहर के जो सो वहाँ पे भी वार्निंग देने लगाए लोग, तुम लोग आज देखो तनम तनी के बात आने करना, ये जो भी है अंडरस्टैंडिंग में जितना भी होगा ये कंप्रमाइज़ कर लो, दोनों मिल लो बोल के सर्कल साहब मिला के करके भिजाए। उनके बाबा हाफिज़ मारूस थे, मैं था, उसका बड़ा भाई, दोनों बैठ के बात करे, बात करने के बाद में जो सो ख़त्म करे बात को, ख़त्म करने के बाद में कुछ खुबा कॉलोनी में कुछ प्लाट वगैरह आए गए थे, वहाँ पर लाका वाका डाल दिए उसके, हमारे भाई के प्लाट पर जाके डाल दिए, तो जैसे इन्हों जाके कौन डालेगी बोल के लाका तोड़ के इनके लाका डाल लेके आ गए। डाल लेके आने के बाद में जो सो यहाँ गली में से 3 बार गए, पहले मेरे कारखाने की गली में आए, वहाँ पे मेरे कैमरों में भी है वो लगा, फिर उसके बाद में ये गली में से गए तो जो सो कंप्लेंट करता हूँ बोल के बोले इन्हों इलियाज मियाँ, कंप्लेंट करता हूँ बोले, तो जक्रिया बाम जो सो आके
नहीं नहीं कंप्रोमाइज नको करो, कंप्लेंट नको करो यार भाई, मैं बात करता हूँ, बात करके कंप्रोमाइज करके ख़त्म करा देता हूँ बोल के बोले। इसके गवाह आबिद मसूद भी है और अल्लाह आपको ने की जो अब्दुल खादर है, बच्चा है मोहम्मद, वो पूरे जने है और अजहर है, इसके विटनेसा हैं। वो लोग 8 जने आए थे, 8 जने जगरी आवाम जो से बात कराता हूँ बोल के बोले, उन्होंने दवाखाने तक आए, दवाखाने से गायब हो गए, उन्होंने दवाखाने को आए थे उन, मैं जाके जब देखने के बाद में जो सो अलो चले गए, दूसरे को बोल के गए बोल के बोल रहे उन्हों, खैर गलत बात है वो। इन्हों साले मारू जकरी अबाम के तो दोनों के काम कारोबार पूरे थे, दफेदार की भी आप लोग वीडियो देख सकते, यूट्यूब पे है लिंक लगी हुई दफेदार की, कैसा है मसला। अब रहा बात जो साले मारू का, साले मारू जकरी अबाम पूरे जने मेरे कारखाने की गली में आए थे, वहाँ पे है CCTV फुटेज, अब मैं निकाल के जो सो देता हूँ आप लोगों को भी देता हूँ। पहले वहाँ पे आए लगा सलाम करे, मैं बाहर अंदर से जो जवाब दिया आओ बोल के बोला, अंदर तो नहीं आए लगा, उधर चले गए। तो मैं बोला कुछ भी काम कारोबार से आए होंगे भाई, बोला मेरे भाई का नहीं आएंगे बोल के नहीं मालूम था मेरे को, मेरे भाई का नहीं आएंगे बोल के नहीं मालूम था। ये करीब करीब 9 बजे से पहले का वाक़ा है, 9 बजे का टाइम है साहब, उसके हाओ एक 10-15 मिनट के बाद में जो है सो फ़ोन आया मेरे को, ऐसा इलियास को मार दिया बोल के, बच्चा आजहर बोल के है बच्चा, वो ने फ़ोन करा ऐसा इलियास को मार दिए, ला कौन कौन बोले तो ला साले मारूस है, अबू बकर मारूस है, इस्माइल मारूस है और अबू बकर बिन अवेलेबल के है, उन्हें है और नदीम है, जिलानी है, ये प्लानिंग आकर के ऐसा काम करे बोल के, तो भी हैंड टू हैंड लड़ लेना था भाई।